मेरे साथी वो है पंचायत में कैसे इलेक्शन होते हैं, जो ग्राम सभा होती है, जो स्थानीय जिनको हम स्थानीय चुनाव बोलते हैं, जिसको हम तीन भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। और सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा का चुनाव क्या होता है? हर ग्राम से कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 25 साल हो गई हो, कितनी 25 साल हो गई, और जो वोट करेगा उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 18 वर्ष, और वो वोट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चुनाव होना है। मैं तीन ग्राम सभाएं हमने बनाई है, एक है प्रतापगढ़, दूसरा है ज्ञानूगढ़ और एक है शक्तिगढ़। ये तीन ग्राम सभाओं के हमने ग्राम सभा बनाई है। इसमें हमने जो जो लोग चुनाव यानी कि लड़ना चाहते हैं उनके नाम लिखे गए हैं, और बाद में 2 मिनट का टाइम दिया था हमने आपको कि भाई जो व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहता है और वो वापस ले ले। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतापगढ़ से सिर्फ अर्श ने वापस लिया, ज्ञानूगढ़ से 3 उम्मीदवार थे, विवेक, अंकित और ज्ञानू, जिसमें से अंकित और विवेक ने वापस ले लिया था अपना नाम, और यानी कि विवेक निर्विरोध जो है यहाँ के प्रधान बन गए थे। और जो शक्तिगढ़ है उसमें 5 लड़कियों ने नाम लिया, चारों भूमिका और आरुषि, रितिका और अंकिता, इनमें से चारों ने अपना नाम वापस लिया, और इन चार में भिड़ंत होगी प्रधान की, भूमिका और आरुषि और रितिका और अंकिता, इन चार में क्या होगा, आपस में चुनाव क्या। और अब हम क्या करेंगे, अब हम शक्तिगढ़ का चुनाव प्रक्रिया शुरू करेंगे। किसकी? शक्तिगढ़ की चुनाव प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये 4 लोग हैं और वोटिंग मशीन हमारे पास बच्चों है, इस तीनों जो पार्ट है वोटिंग मशीन के, वो तीनों को मिला के ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस ईवीएम को तीनों को मिला के, और तीन कौन कौन सी चीजें है, एक है कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट और बैलेट यूनिट। क्या क्या है? और बैलेट यूनिट। क्या है तीनों के काम, मैं आपको बता देता हूं कि कंट्रोल यूनिट जो बैलेट यूनिट है, इसमें हमने मतदान, जो मतदान होगा वो ये, इसमें 4 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम लिखा हुआ है और 5वें में नोटा लिखा हुआ है। कितना है? 4 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम है प्रिंट में, प्लस किसमें लिखा है, ब्रेल में। प्रिंट में उन बच्चों के लिए है जो लो विजन है, और ब्रेल में उनके लिए है जो लोग कैसे है यानी कि पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है। ऐसी स्थिति में जो है 5वें बिंदु पे नोटा है। क्या है? नोटा है। अगर उपरोक्त में से किसी को भी आप नहीं देना चाहते तो आपको नोटा में अपना वोट कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया अब मैं थोड़े से बता देता हूं इन तीनों यूनिट के विषय में। बैलेट यूनिट में पॉइंट लगे हुए हैं जो आपको दबाने होंगे जिसको वोट करना चाहते हैं, और वीवीपैट में एक पर्ची गिरती है जिसको आपने वोट किया। कभी आपको अगर लगता है कि मेरा वोट जिसको मैंने दिया है उसी को ही गया है, तो हम उस पर्ची से चेक कर सकते हैं कि मेरा वोट सही गया है या नहीं गया। तीसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जो भी हमारे वोट गए उसमें पूरा रिकॉर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक में, और जब हम बाद में हमारा पोल यानी कि समाप्त हो जाता है वोटिंग, तो ऐसी स्थिति में हम बाद में क्या करते हैं, उसे काउंटिंग करते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कोई निश्चित डेट कर लेते हैं कि भाई किस व्यक्ति को कितने मतदान मिले हैं और कौन से गांव से कौन व्यक्ति जो है चुनाव जीता है। अब हम एक चीज और करना चाहते हैं कि हम शक्तिगढ़ में वोटिंग कराएंगे, तो शक्तिगढ़ में वोटिंग जो होगी उसमें हमारे पास मतदाता है लगभग 7 मतदाता है। मैं पहले मतदाता को बुलाना चाह रहा हूं, आरुषि आप आ जाइए। बेटा ये बैलेट यूनिट है, आप इसको पढ़िए। सर बैलेट यूनिट। हाँ आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने ठीक हमने एक बटन रखा हुआ है, और अभी नहीं, अभी आप सिर्फ देखिए कि कौन कौन सी पार्टियां है ना, और दूसरे अगला कौन है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ अगर आपको लगता है मैं मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है तो आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देना है तो आपको ये दबाना पड़ेगा। और
अगर आपको लगता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मुझे वोट करना है तो उसके ठीक से सामने जो बटन है वो दबाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं ये पार्टियां देश के लिए बहुत अच्छा नहीं कर रही है, मुझे इनमें से कोई भी उम्मीदवार अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है नोटा कि मुझे उपरोक्त में से किसी को वोट नहीं देना। तो आरुषि अब आप जो है गोपनीय मतदान कर रहे हैं फिलहाल, और मैं चाहूंगा कि आप एक वोट करिए, हो सकता है। ये आपने वोट कर लिया है, हमारे पास और भी ऑप्शन रहते हैं कि भाई कई बार कि हमने जिसको वोट किया और उसी को गया है, तो एक पर्ची भी हमारे बॉक्स में निकलती है अगर जरूरत पड़ती है, और उसे हम क्लेम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से प्रक्रिया करनी पड़ती है। साथ में कंट्रोल यूनिट है और आपका वोट यानी कि सुरक्षित हो गया, आपने मतदान कर दिया है। अब इसके बाद एक और प्रक्रिया रहती है, हम इंक लगाते हैं, बच्चों काम लगाते हैं इंक लगाते हैं। ये देखिए ये आरुषि जो है को हम इंक लगा रहे हैं, और ये ताकि ये निशानदेही इसलिए है आरुषि ताकि आप दोबारा कोई मतदान करने नहीं आएंगे या कोई पर्ची मतदान ना हो, ये इसलिए लगाया जाता है। अब आप जाइए अपनी जगह में, आपने वोट कर लिया है। तो ये बच्चों ये प्रक्रिया है इलेक्शन की, ऐसे ही हम लगातार जो है जितने भी इस गांव के यानी शक्तिगढ़ के लोग हैं मतदान जो करेंगे वो ऐसे ही एक बार भूमिका आप आइए आप मतदान करिए। आप ये देखिए चेक करिए, ये बहुजन समाज पार्टी ठीक है। इनमें से देखिए सामने आपके पास कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, उसमें से आप ठीक जिसको वोट करना चाह रहे हैं उससे नीचे ये पॉइंट है, इनमें से ठीक आप किसी को भी दबा सकते हैं जिसको आपको लगता है। देखिए भूमिका ने भी वोट कर लिया है कि मैंने अपना मतदान कर लिया है। अब भूमिका के लिए भी ठीक वही प्रक्रिया है, वोट के बाद जो है हम अपने फिंगर में लगाएंगे कि भाई ये निशान दही है कि ताकि भूमिका दोबारा किसी को मतदान या दूसरे बूथ में कोई क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं कर सकते ठीक है। आप भूमिका बैठ जाइए। तो बच्चों ये रहा ये है प्रक्रिया इलेक्शन की कि कैसे कैसे एक इलेक्शन होते हैं। आपका मतदान हो चुका है, कल हम आपको एक काउंटिंग बताएंगे कि कैसे कैसे काउंटिंग होती है, और आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर क्या है बैल लगे लिए खत्म हो चुका है। तो ये थे हरीश कुमार सर, क्लास 8th में समाज शास्त्र बता रहे थे कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से उसकी प्रक्रियाएं चलती हैं एक TLM लेके, और सबको चाहे पूर्णतः दृष्टि बाधित हो या अल्प दृष्टि बाधित सभी को बताने की कोशिश की गई है।